3,500 तो फेस्टिवल एडवांस मिल जाएगा, पैसे सब चीज़ें हम वो कर लेंगे। अच्छा अच्छा, कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल बस की स्ट्राइक हो गई। तो क्या हुआ, आत्या आपको स्कूल लेने आएगी और छोड़ने आएगी? रोज। हाँ बाबा रोज, जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती। अच्छा सुना, देखो आते आपके लिए क्या लेके आई है। क्यों? अब आते को जल्दी से किसी कर दो। ओ मेरा बच्चा। अरे अर्जु। हाँ दादा। मैंने चाय बनाई है, तू पिएगी? नहीं दादा थैंक यू। आई अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर साड़ी है, लेकिन मुझे अच्छे लगने से क्या, तुम्हारी भाभी को तो भी अच्छे लगनी चाहिए। आई आ जाएगी ना। अरे पल्लू तो इतना सुंदर है, कितने की है? ये तो तुम्हारे बजट में आई, बल्कि तुम्हारे बजट से भी कम थी, सिर्फ 650 रुपए की। सच? अच्छा हुआ ये काम मैंने तुझे बता दिया, अगर वर्षा को बताती ना तो 1500 रुपए से मेरी जेब खाली करवाती। आई सुलोचना, सब छोटे मोटे काम होते रहेंगे। ये बताओ, दिन में तुम सोने गिफ्ट की बात कर रही थी, उसका क्या हुआ? वो भी काम हो गया समझो। मगर कैसे? क्योंकि मैं जान गई हूँ मटर फ्रिज में बचा कर कैसे रखते हैं। मतलब? अभी बताती हूँ। लेकिन मैंने बॉस को जो जवाब दिया ना, you won't believe, वो तो तंग रहेगा। ये देखिए, ये सेट्स हमने अपनी बेटियों के लिए बनवाए हैं, ये दो अर्चना के लिए और ये वर्षा के लिए। अब अर्चना की शादी पहले होगी और वर्षा की बाद में, इसलिए हम ये वर्षा का सेट तुड़वा कर अजीत के लिए कुछ सोने का गिफ्ट बनवाएंगे। क्यों आई? मेरा सेट क्यों? आई तुम्हें पता है वो मेरा सबसे फेवरेट सेट है, फिर भी वो भी बहनी की आई के लिए? नहीं वर्षा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है। हाँ मैं हमेशा ही गलत समझती हूँ, है ना? वर्षा आई मैं देखती हूँ। वर्षा, वर्षा, ताई प्लीज तुम कुछ मत कहो। आज तक तुमने जो भी कहा मैंने सुना, सिर्फ सुना नहीं बल्कि माना भी, इसलिए नहीं क्योंकि तुम हर बार सही थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। लेकिन आज मेरी आई ने मेरा दिल दुखाया। आज अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी आई मुझसे प्यार ही नहीं करती तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो तू ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ताई। मैं नौकरी करती हूँ, इस घर में पैसे कमा कर लाती हूँ, इस घर में आते ही उन पैसों के 3 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कमाई में से मेरे बहनों को हिस्सा क्यों दिया जाता है, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी आई मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन आज वो विश्वास टूट गया है। वर्षा आई तुम ही बताओ, सब कुछ मैं करूँ और मुझे ही कुछ ना मिले, ये कहाँ का न्याय है? मतलब मैं तो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई, आई को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है ना कि मुझसे। वर्षा धीरे बोल। आई तो तू ये सोचती है मेरे बारे में? आई वो मैं आई 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 प्लीज मेरी बात सुनो। आई 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 सुन तो आई आई वो मतलब आई था आई मैं चुप, एकदम चुप। तुझे जो बोलना था तू बोल चुकी, अब मेरी बात सुन। ये सब तेरे पैसों से बना है ना, तू ले। आज मैं तुम्हारा एक एक रुपया लौटा दूंगी। ले ये अर्चना का सेट, ये वैशाली का सेट, ये सब कुछ ले ले। और ये मेरी चूड़ियां भी ले। भाई मैं सब कुछ लौटाना चाहती हूँ, और भी कुछ अगर बाकी है ना तो ले। ये तुम क्या कह रही हो? क्या घबरा ना, जो मैंने तेरे लिए किया ना उसका हिसाब नहीं मांगूंगी मैं।
क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ जो करे वो तो फर्ज होता है, और जो बेटी करेगी वो एहसान है ना, क्योंकि तू पैसे देती है, तुझे तो हक है ना हिसाब मांगने का। नहीं, अच्छा ही हुआ मैंने सब कुछ आज तुम्हें लौटा दिया, मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त हो गई। अब मैं अपने बलबूते पर इन दोनों की शादी करूंगी, जितना मुझसे बन सके मैं इनको गहने बनवाऊंगी, देखना तुम। आई तुम गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ? मैं गलत समझ रही हूँ? तू छोटी थी तब बिना कुछ कहे तेरी बात समझ जाती थी, और अब तू बड़ी हो गई है और तेरी बातें समझ नहीं पा रही हूँ मैं। क्यों सतिया गई हूँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ तेरी बातें? छोड़ तू मुझे, मैं आज तुझे एक एक बात तो एक एक पैसे का हिसाब दूंगी मैं तुझे, तू छोड़। ये ले, ये देख हर पन्ने पर लिखा है हिसाब, दे। क्या गलत किया मैंने वर्षा, क्या गलत किया मैंने? घर की इज्जत रखने के लिए, बहू का मान रखने के लिए अजीत को कुछ तो देना ही था ना, और उतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो मैंने सोचा कि वर्षा की शादी बाद में है, उसकी ज्वेलरी तोड़कर अभी कुछ दे दूं, अभी पैसे नहीं है हाथ में, तो यही सोचती ना मैं। अर्चना की शादी के बाद थोड़ा सा वक्त मिलता तो इसके लिए दुगने गहने बनवाती भी। आई तो शांत हो ना। नहीं, इसका हिसाब तो दूंगी मैं, ये चाहती है ना? अच्छा ही है, ये ले, ये तू ले और जा यहाँ से। नहीं तो जा यहाँ से, जा वर्षा, जा 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 यहाँ से। आई तू शांत हो जा, आई तू शांत हो जा। देख आई वर्षा तो छोटी है ना, अभी उसे सब नहीं समझेगा। तू एक काम कर, तूने जो मेरे लिए दो सेट बनाया ना, तो उसमें से किसी को तुड़वा ले। और तू, अरे तेरी शादी पहले है ना अर्जुन, इसीलिए तो। आई मेरी शादी तय तो नहीं हुई है ना, मैं जानती हूँ तू मेरी शादी तो कुछ ना कुछ कर ही लेगी, तू मेरे लिए फिर से गहने बना दे। तू रो मत आई, तू रो मत। उसने हिसाब क्यों मांगा? मैंने क्या गलत किया अर्जुन, क्या गलत किया? क्यों उसने ऐसा किया? आई तू रो मत आई, प्लीज तू रो मत आई। आई पुनी स्कूल जाएगा तू, चल जल्दी चला, चलो 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 चलो, उन्ना स्कूल जाएगा। क्या क्या कर रहा था जी, क्यों रो रही थी? पुन्नी देखो देखो मैं बहुत लेट हो रहा है ना, और कल से है ना हम जल्दी वाली ट्रेन पकड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाए, फिर पुन्नी लेट हो जाती है ना स्कूल में। ठीक है मेरा बच्चा, टाटा मेरा बच्चा, सीधा जा, टाटा बाय, टाटा। भैया एक गोला दीजिए ना। हाँ कितने हुए? ए चोर चोर चोर, पकड़ो कोई, उसे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे चोरी करके, अरे पकड़ो, पकड़ो इसे, मारो मारो इसे, मारो।
आंटी आंटी एक मिनट, ये आपके पैसे हैं, ये पैसे आपके हैं? ये शायद नोट आपका वहां गिर गया था। ओ, ये यहाँ पर ही थे। चलो चलो भाइयों चलो, हम अपना काम करते हैं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं। कुछ चाय वाय लोगे? नहीं। थैंक्स। कोई बात नहीं, निकाल 50 रुपए, चल दे निकाल। क्यों चोरी की? भूख लगी थी। ये पैसे तो तुझे नहीं मिलेंगे, खाना खाएगा? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। भैया ये लीजिए, इसे खाना खिला दीजिए, खा लेना। चोरी करना गलत बात होती है, ठीक है? आगे से मत करना। अच्छा काम करोगे तो भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देगा। जगह मैं होता तो शायद उस बच्चे से पैसे लेकर उस औरत को वापस दे देता और लोगों से उसे माफ करने के लिए कहता। मगर इसने ना सिर्फ लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाया बल्कि उस लड़की की जरूरत को भी पूरा किया। उस लड़की की अच्छाई ने आज एक परिवार को भूखा रहने से बचा लिया। ये लो नेहा, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हो गई। क्या हुआ ना, मैं पुन्नी को स्कूल में छोड़कर आई रही थी, उतने में रास्ते में एक अचानक, हाँ हाँ, रास्ते में कोई मुसीबत का मारा मिल गया और आप दया की मूरत उसकी मुसीबत सुलझाने में लग गई, है ना? दुनिया भर का बोझ अपने कंधे पे उठाए फिरती है, अरे कभी तो अपना और अपने दोस्तों का सोचा कर अर्चना माते। अब बस भी करो, स्वाति कहाँ है? वो तो तुझसे भी लेट लतीफ है। कितनी बार कहा था माधुरी के लिए गहने खरीदने जाना है, फिर भी? अरे हाँ, यहाँ आने से पहले वो किसी से मिलने जाने वाली थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड से। फिर तो वो आ चुकी टाइम पर। चलो भाई कॉफी ऑफी मंगवाओ, अब तो आराम ही आराम है। लो आ गई। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्यों, उन्होंने छोड़ा नहीं क्या? क्या हुआ आप? तो इतनी अपसेट क्यों लग रही है? झगड़ा करके आ रही हो? बता ना स्वाति। अरे डर मत, उसने झगड़ा किया है ना तो वही मनाने आएगा। छोड़ दिया उसने मुझे।
क्या? सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? स्वाति, 2 सालों से तुम दोनों साथ थे, उसके प्रमोशन के बाद तो तुम दोनों शादी भी करने वाले थे, फिर ऐसे कैसे वो अपने वादे से मुकर सकता है? ये सब हुआ कब? अभी 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 छोड़ के गया हूँ मुझे। इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। Thank God, जान बच गई। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। स्वीटहार्ट तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा नादान निकली। अजीत मूव, इससे पहले कि वो यहाँ जाए। हेलो अजीत, अजीत नहीं बोलते बेटा। ताई मैं वो अरे तेरी शादी की शॉपिंग करनी है ना। अरे अभी तेरे सूट का कपड़ा लेने नहीं जाएंगे तो फिर तेरी शादी तक वो बनाकर नहीं देगा। ताई मेरी बात तो सुनो, हम आज ही शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? तुम ऑफिस से फ्री होते मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, तू जल्दी आ जाना, रखती हूँ मैं। ठीक है ताई। स्वाति, कोई वजह तो बताइयो कि जिसके कारण। बताई ना, उसने कहा कि उसकी आई को ये रिश्ता मंजूर नहीं। वाह, ये भी कोई वजह हुई? अरे प्यार करते वक्त आई से परमिशन ली थी क्या उसने? और तूने कुछ पूछा नहीं उससे? मुझे तो एकदम सदमा सा लगा, कुछ चाहू तो भी पूछ ना पाई, और अब शायद कभी भी पूछ नहीं पाऊंगी। वो अब्रॉड जा रहा है। हम जाने देंगे तो ना, ऐसे ही वो तुझे बीच में छोड़कर नहीं। उसने जो किया है ना, उसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर, अभी अभी छोड़कर गया है ना, तो शायद बाहर ही होगा। चलो नेहा सुन तो, माधुरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं अभी बाहर जाती हूँ और मैं देखती हूँ।